नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और सुनील डिंपल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त 2019 को भाजपा के गलत फैसले का हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। साथ ही बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताने और जम्मू कश्मीर सरकार बनाने के लिए आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर मंथन हुआ। कहता है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और कांग्रेस को वोट मत दो, जिसके मर्जी है वो उनके सारे लोग हैं, हमें किसी ने मदद की। ये रोज कहता है, कोई दिन नहीं जब ये नहीं कहता। बाकी हमारी नौकरी, महंगाई आसमान से बात, गरीब जमीन में घुस रहा है, ये तो हाल है हमारा। और ये रोज बयान करता, कभी मैंने एक दिन मैंने देखा जब ये प्रेस के काम नहीं करता। कोशिश करता हूँ मैं तो जनाब, ये शुक्र करो कोई बोलने वाला है। जम्मू में कोई बोलता ही नहीं, कोई बोलता नहीं, अरे कुछ सांप लड़ गया है, कोई बोलता नहीं, दबा के रखा हुआ है जनाब, केस डाल देते। खुद मैं हैरान हूँ जब मैं सुनता हूँ।